और अल्लाह ताला का फरमान है या अय्युहल लदीना आमनु इस्तईनु कसीरन मिनस सन्नी इन्ना बादुन सन्नी इस्मा के ईमान वालों बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए कि बास बदगुमानियां गुनाह है। इंसानी जहन कई तरह के होते हैं, एक किस्म का जहन वो है जो हर बात को मुस्बत तरीके से सोचता है और दूसरा मन की सोच का आदि होता है। मन की सोच रखने वाला जहन आफतों का शिकार होता है, इसमें अहम तरीन आफत बदगुमानी है। ये ऐसी खतरनाक सोच है जो दोस्त को दुश्मन बना देता है, फैमिली को बदखा बना देता है, अपनों को पराया बना देता है। बदगुमानी की वजह से शोहर बीवी के दरमियान मोहब्बत छाया नहीं रहती और भाई बहन की बेइज्जती करता है, सारा माशरा बिगड़ जाता है। बिलखुसूस बदगुमान इंसान खुद अपना दुश्मन बन जाता है, उसके जहन में हर वक्त मसाइल पैदा होते रहते हैं, दूसरों के टोक में लगा रहता है और दूसरों से बगैर तहकीक बात बयान कर देता है। और हदीस में है कि कफा बिल मरई कसिबन अयहद दिसा बिकुल लिमा समिया, अपनी तू झूठ कहलाने के लिए यही काफी है कि जो कुछ सुना बगैर तहकीक बयान कर दे। इसके पीछे बहुत गलत काम है, अगर शिकार होता है तो शैतान को ऐसे शख्स को बदगुमान की तरफ बहकाना आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी सोच बहुत गहराई तक होती है। शैतान उसके हाथों में खून की तरह धोता है तो वो सीधी रास्ते से भटक जाता है। हदीस में ये भी तालीम मिलती है कि हमारी किसी बात या हरकत से सामने वालों की बदगुमानी होती है तो फौरन उसकी इजारा करना चाहिए। मोहतरम सामीन और सामिया, आज हमारे सामने अहम मिनत शमशी है कि बदगुमानी बुराई को जन्म देती है, जिनके बिना पर हम बहुत से गुनाहों में मुर्तकिब हो जाते हैं, और दूसरे तरफ अल्लाह ताला के फराइज को अंजाम देती है तो हमारे इबादतें कमांसी कबूल होती है, जबकि हमारे आमाल बर्बाद हो रहे हैं लेकिन हमें इसका कोई शोर नहीं।